Okay, started. So next which we are going to discuss is section formula. आप लोग को अगर याद नहीं है तो ये सब आप लिख लेना, because this will be used here in this chapter. तो section formula में हम लोग क्या करते थे? In section formula we used to find the coordinates of any point R which divides a line segment PQ in the ratio of m is to n. तो ये रेशियो आपको कौन सा दिया रहता है? PR upon RQ का, and that is equal to m is to n. ठीक है. So if the coordinates of P are x1 y1 और Q है आपके x2 y2. अब आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर विच इज डिवाइडिंग पी क्यू, लाइन पी क्यू इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन. एंड नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर, देन व्हाट यू विल बी डूइंग. ठीक है, इसके दो केसेस होते हैं. एक केस होता है कि इफ, केस वन इज इफ आर divides PQ internally in the ratio of m is to n. ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसको internally divide कर रहा है PQ को in the ratio of m is to n. Then the coordinates of R will be given by what? तो क्या हो जाता था हमारा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, एक्स क्या जाता है हमारा? कैन एनीबडी टेल मी? यूज करा है आप लोगों ने पहले? एक्स विल बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या होंगे हमारे? किसी को याद नहीं है क्या आज? ओके, आध्यांश इज सेइंग एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. ओके, वेरी गुड. इट इज सच ए सिंपल फॉर्मूला ना, याद होना चाहिए ना आपको. सो आई विल बी राइटिंग हियर, एक्स क्या होगा आपका? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. ठीक है, और वाई क्या होता है हमारा? सेम वे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. So these are the coordinates of this point R if it is dividing it internally in the ratio of m is to n. ठीक है, now if it divides externally तो क्या चेंज होगा? externally में तो R यहां पे नहीं आएगा. externally का मतलब है कि ये कहीं इसके बाहर की तरफ है ना. So if this point R divides PQ externally, so if R divides PQ externally in the ratio of m is to n. तो एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा वो? यहां पर P है, इधर Q है और इधर R है. तो एक्सटर्नली भी कभी डिवाइड कर सकता है क्या? देखो एक्सटर्नली एक्चुअली में इनको डिवाइड इनटू सम पार्ट्स वो तो नहीं करता है ना, क्योंकि ये पॉइंट एक्चुअली में बाहर है. बट वो रेशियो जब हम लेते हैं ना वो R के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं, सेम वही रेशियो लेते हैं. अगर इस केस में भी हम PQ अपॉन QR लेंगे तो क्यों डिवाइड कर रहा है इसको m is to n के रेशियो में? r नहीं करेगा, है ना, क्योंकि एक्सटर्नली बोला है. इसलिए वो क्या होगा आपका? होगा सेम वही pr is to rq या qr जो भी बोल सकते हैं, दैट हियर इज इक्वल टू m is to n, है ना. ओके, सो इन दिस केस इफ इट डिवाइड्स एक्सटर्नली द ओनली डिफरेंस विल बी ऑफ साइन. इस केस में आपका क्या होगा?
इफ आर डिवाइड्स एक्सटर्नली एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन, तो उस केस में आपका एक्स क्या होगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन. याद है आपको, ये कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूं, दिस इज आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दोज विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. अक्षम, हाँ सक्षम, बताओगे बेटा क्या होता था, कैन यू टेल मी एक्सटर्नली केस में क्या होता था. किसी को भी याद नहीं है, सब भूल गए. अब देखो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकल रहा है आपका एम एक्स टू इधर जा रहा है ना, और टोटल कैसे निकालोगे आप इसका ये बताओ, एम माइनस एन से ही निकालोगे ना, पी क्यू इज टू क्यू आर है ना, इसीलिए आपका एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन. आज कोई है ही नहीं क्या क्लास में, वाई यू ऑल आर सो क्वाइट टूडे, आज कोई बात ही नहीं कर रहा. हाँ वेर आर यू ऑल, सब गायब है, अभी अटेंडेंस ही लेना पड़ेगा तभी आवाज निकलेगी. अभी लेते हैं एक बार हम लोग जो पुराना है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक. हियर ओनली, तो भी शांति से बैठे हैं ठीक है. नहीं ओके, तो नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला है, ओके आद्यांश, गुड, वेरी गुड बेटा. सो लास्ट में अगर क्या है आपका, अगर एम और एन जो है वो आपके वन हो, मीन्स अगर ये जो आपका पॉइंट आर जो है, इफ इट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस पी क्यू, देन इन प्लेस ऑफ ओनली एम एंड एन यू विल बी टेकिंग वन. तो आपका उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और वाई के वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू. बस इतना ही डिफरेंस रहेगा इफ इट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस पी क्यू, ठीक है, आर अगर उसका मिड पॉइंट है तो ठीक है. तो यही कुछ आपके लास्ट ईयर वाले थे, अब हम आज से अपने 11th क्लास का पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेक योर अटेंडेंस. ओके, एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ.